सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को गोल्डन शेड इवेंट के रिगार्डिंग एक बहुत बढ़िया अपडेट देने वाला हूं। इसी के साथ में गाइस आप लोगों को छोटे मोटे और भी बहुत सारे अपडेट के बारे में पता चलेगा। तो उन सब अपडेट को जानना चाहते हो तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपडेट रहने वाला है गाइस न्यू पैच अपडेट को लेकर। तो यहाँ पे 4 सितंबर को OB46 अपडेट आने वाला है। तो अगर आप लोगों से कोई भी यहाँ पे नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके पहले गाइस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना होगा। अभी आपके अकाउंट में जाना, सेटिंग में जाके गाइस आपका जो कस्टम HUD है उसको अपलोड कर देना, क्योंकि न्यू वर्जन इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को ये जो ओल्ड वर्जन है इसको डिलीट करना होगा। इसलिए आपका कस्टम HUD खो ना जाए, इसलिए भाई इसको अपलोड करके रखना। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पे नॉर्मल फ्री फायर को ऑफिशियली डाउनलोड करना चाहते हो तो भाई आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कॉमेंट बॉक्स पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करने को मिल जाएगा। और गाइस इस बार के अपडेट में गोल्डन शेड के रिगार्डिंग एक कॉपी पेस्ट बंडल डिजाइन किया गया, क्या आप लोगों को पता है। तो जी हाँ गाइस, इस बार के OB46 अपडेट में कॉपी पेस्ट गोल्डन शेड के बंडल को डिजाइन किया गया, जो देखने में कुछ इस टाइप के बहुत ही कलरफुल, मतलब पर्पल टाइप का कलर पे बनाया गया है। और इसी के साथ में गाइस आप लोग यहाँ पे फीमेल बंडल देख पा रहे हो, सेम टू सेम गोल्डन शेड की जैसा ही, बस यहाँ पे कलर और एनिमेशन में चेंज किया गया। देख पा रहे हो बॉडी में भाई ड्रैगन चल रहा है। सो यहाँ पे मेल और फीमेल बंडल को लेकर गाइस एक नया से रिंग इवेंट आने वाले OB46 अपडेट के बाद। अभी आप लोग कॉमेंट करके बताना कितने सारे गोल्डन शेड निकालोगे, ओल्ड वाला या जो रिसेंट आया था उसको, या जो न्यू आ रहा है इसको। और गाइस इन बंडल के रिगार्डिंग और भी कुछ आइटम डिजाइन किया गया, चलो मैं आप लोगों को वो सब भी दिखा देता हूँ। तो गाइस आप लोग यहाँ पे एक नया सा ग्लोअल का स्किन देख पा रहे हो, जो इसी गोल्डन शेड के रियरिंग डिजाइन किया गया, जो देखने में बहुत ही कमल का लग रहा है। एक ड्रैगन टाइप का एनिमेशन रखा गया है और पूरा पर्पल और गोल्डन टाइप का इसको डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे आप लोग एक बाइक स्किन देख पा रहे हो, जो इसी थीम पे डिजाइन किया गया, ड्रैगन थीम पे, और देखने में बहुत ही कमल का लग रहा है। तो ये वाला बाइक स्किन भी आने वाला है रिंग इवेंट के अंदर। और साथ में गाइस आप लोगों को गन स्किन मिलेगा, जो AC-80 का स्किन होने वाला है, जिसका एट्रीब्यूट थोड़ा अलग लैंग्वेज पे है, लेकिन बाद में आप लोगों को मैं पूरा रिव्यू करके दिखा दूंगा कैसा क्या रहने वाला है। सो इनके थीम पे भाई ये वाला AC-80 का स्किन आने वाला है। और यहाँ पे आप लोग और एक वेपन देख पा रहे हो, जो देखने में कुछ इस टाइप का होगा, जो है M1873 का। और भाई ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन एट्रीब्यूट समझ नहीं आ रहा, तो बाद में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा इसका भी क्या एट्रीब्यूट रहने वाला है। और इनके थीम पे भाई आप लोग एक नॉर्मल प्लाज्मा का स्किन मिलेगा, जो बहुत ही सिंपल सा होने वाला है। और ये वाला स्किन देख के लग रहा है कि वो जो M1873 है उसका शायद पॉसिबल की वेपन वेल आने का चांस बहुत ही ज्यादा है। सो अभी देखा जाएगा क्या होने वाला है, बस एक दिन गई तो बात है। उसके बाद 4 सितंबर को गाइस हमारा नया सा पैच अपडेट आने वाले सुबह के 9 बजे। और इनके थीम पे भाई आइटम यहीं पे खत्म नहीं होता है, इनके थीम पे भाई आप लोगों को यहाँ पे ग्रुप एनिमेशन इमोटेक देखने को मिलेगा, जो देखने में कुछ इस टाइप का होगा, मतलब भाई जब भी आप लोग इसको यूज करेंगे आपका फ्रेंड के साथ यूज होने वाला है। और मैं फिर से आप लोग को बता रहा हूँ गाइस, ये जो लॉबी एंट्री एनिमेशन इमोट की तरह इमोट देख पा रहे, ग्रुप इमोट होने वाला है, और जब भी आप लोग यूज करोगे आपके फ्रेंड के साथ भी यूज होने वाला है। और इस इमोट के रिगार्डिंग गाइस आप लोग यहाँ पे एक वीडियो देख पा रहे, जब भी आप लोग यूज करोगे तो भाई आसमान में कुछ इस टाइप का एनिमेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और देख पर हमारा जो कॉपी पेस्ट टाइप का गोल्डन शेड बंडल है उसके साथ एनिमेशन कितना ओपी लग रहा है। तो आप लोग यहाँ पे क्लिप को थोड़ा और भी अच्छे से देख लो भाई, कितना बढ़िया तरीके से इस इमोट को डिजाइन किया गया। जब भी आप लोग प्लेन से लैंडिंग करोगे तो कुछ इस टाइप का एनिमेशन आएगा, और देखने में तो भाई बहुत ही कमल का है। और इस थीम पे भाई आप लोग को इतने सारे आइटम तो देखने को मिल रहा है, इसके साथ में गाइस इनके थीम पे एक इमोट भी आने वाला है। और ये इमोट देखने में कुछ इस टाइप का होगा, एक चक्री टाइप का होने वाला है, जिसके ऊपर आप लोग ऐसे इस टाइप से बैठे रहेंगे और इसके चारों ओर भाई एक ड्रैगन घूमेगा। और जब भी भाई आप लोग यूज करोगे तो भाई एनिमेशन कुछ खास इस टाइप का आएगा। और ये वाला इमोट होने वाला है गाइस एक रनिंग टाइप का एनिमेशन इमोट, जब भी आप लोग यूज करेंगे तो भाई आप लोग सामने की तरफ चल पाओगे। तो कैसा लगा आप लोग की वाला इमोट कमेंट करके जरूर बताना। तो कुल मिला के गाइस इतने सारे आइटम डिजाइन किया गया हमारे कॉपी पेस्ट गोल्डन शेड बंडल को लेकर। अभी आप लोग कमेंट करके बताना क्या आप लोग अपडेट के बाद इन सब आइटम को निकलना पसंद करोगे, अगर निकलना चाहते तो भाई डायमंड वगैरह तैयार रखना। और ये सब आइटम देखने के बाद गाइस आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये जो मेन गोल्डन शेड का बंडल है जो देखने में कुछ इस टाइप का होता है, इनके रेडिंग ये सारे बंडल आखिर कब तक आएगा, क्योंकि आप लोग तो इनको निकलना चाहते थे। तो देखो गाइस ये सारे आइटम रिटर्न तो आएंगे, लेकिन ऐसे इस टाइप के रिंग इवेंट पे नहीं, आप लोग के कोई इवेंट टाइप का इवेंट पे देखने को मिलेगा, जो होने वाले गाइस लुमिनियस कार्निवल इवेंट, नहीं तो दिवाली कार्निवल इवेंट। तो जी हां गाइस, पिछले दिवाली पे जैसे दिवाली कार्निवल और लुमिनियस कार्निवल इवेंट आया था, और इनमें भाई पुराने इनक्यूबेटर के बंडल, गन स्किन और कुछ यहाँ पे इमोट वगैरह को रिटर्न किया गया था। तो ठीक इसी तरीके से गाइस आप लोग को इस बार भी दिवाली और लुमिनियस कार्निवल इवेंट देखने को मिलेगा, लेकिन नवंबर महीने को ऐसा इवेंट आने वाला है। और इस बार के लुमिनियस और दिवाली कार्निवल इवेंट में कौन कौन सा बंडल आने वाला है क्या आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता तो चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सा बंडल आने वाला है। सबसे पहले तो गाइस आप लोगों को गोल्डन शेड के रिगार्डिंग जितने सारे बंडल है भाई, जितने सारे बोल रहा हूँ उतने सारे आप लोग को इस दिवाली कार्निवल इवेंट पे रिटर्न देखने को मिलेगा, और आप लोग स्पिन करके इनको निकाल सकते हो। और अभी ये कितने डायमंड पे निकलेगा वो तो भाई लक के ऊपर डिपेंड करेगा। साथ में गाइस यहाँ पे डॉक्टर सैनिटी नाम के जो बंडल देख पा रहे, इसको भी रिटर्न किया जाएगा, जो
आप लोग का मोस्ट डिमांडिंग बंडल है और इस इवेंट के अंदर वही सब बंडल रहेगा जिसका डिमांड सबसे ज्यादा है। और इसी के साथ में गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक बंडल भी आएगा एज ए सरप्राइज। और इस बंडल को निकालने के लिए गाइस आप लोग को अच्छे खासा डायमंड से स्पिन करना होगा। साथ में गाइस यहाँ पे ब्लू डायनो भी आने वाला जिसका गिव अवे ऑलरेडी भाई यहाँ पे टोंडे भाई कर रहे हैं अपने चैनल पे। एंड अतरंगी कुछ और भी बंडल आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसका नाम है गोल्डन थ्रेड बंडल। ये वाला बंडल भी आने वाला है और ये देखने में थोड़ा छपरी टाइप का भी लग रहा है। इसी के साथ में आप लोग को बैटल उल्फ का भी बंडल देखने को मिलेगा, जितने सारे उतने सारे ही आएंगे। और अंदर से थोड़ा और भी लीक मिला है कि आप लोग को इस इवेंट के अंदर ब्लैक टी शर्ट और व्हाइट टी शर्ट भी रिटर्न देखने को मिलेगा। तो देख पा रहे कितने सारे आइटम इस बार के दिवाली कार्निवल इवेंट पे रिटर्न किया जाएगा। तो अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी आइटम बहुत ही पसंद है और आप लोग निकालना चाहते हो, कम से कम 10,000 डायमंड तैयार रखना, क्योंकि यहाँ पे एक स्पिन 20 डायमंड का होगा और 10+1 स्पिन 90 डायमंड का होने वाला है। और यहाँ पे टोकन एक्सचेंज का कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। एंड अभी चलिए गाइस बढ़ते हैं हमारे अगले दूसरे अपडेट की तरफ। और ये अपडेट होने वाले गाइस क्रिमिनल बंडल रिटर्न इवेंट को लेकर। तो जी हाँ गाइस, OB46 अपडेट के बाद कोई एक या दो क्रिमिनल बंडल को रिटर्न किया जाएगा। और अभी गेम के अंदर एक दो क्रिमिनल बंडल नहीं है, टोटल 7 क्रिमिनल बंडल को डिजाइन किया गया है, जिनमें से गाइस मुझे लगता है ग्रीन नहीं तो ब्लू क्रिमिनल को वापस से रिटर्न किया जाएगा इस बार के दिवाली स्पेशल ओबी नवंबर महीने को। और शायद इन सब आइटम को आप लोगों को दिवाली कार्निवल इवेंट भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार का दिवाली कार्निवल इवेंट बहुत ही मेगा एंड बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छे खासे आइटम आने वाला है। लेकिन इनका मेन मतलब एक ही है कि गाइस आप लोगों को बस लूटना है और पैसा कमाना है। बाकी भाई आप लोग समझते रहो कहां स्पिन करना है और नहीं करना है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। एंड अभी गाइस बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की लास्ट अपडेट की तरफ, जो होगा टुनाइट अपडेट को लेकर। सो यहाँ पे कल सुबह 9 बजे के बाद जब भी आप लोग गेम को अपडेट करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक नया सा इवेंट देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा ग्लू नोवा इवेंट, जहाँ पे आप लोग को सिंपल सा मिशन कम्प्लीट करना होगा। और उन मिशन को कम्प्लीट करेंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छे खासे रिवॉर्ड मिलेगा। और रिवॉर्ड्स के अंदर रहने वाले गाइस यहाँ पे पारंग का स्किन जो देखने में कुछ इस टाइप का होगा, बहुत ही कलरफुल एंड कुछ गन स्किन मिलेगा। साथ में एक फीमेल का बंडल आप लोग को फ्री में क्लेम करने को मिल जाएगा। तो तैयार रहना गाइस इस मिशन को कम्प्लीट करने के लिए। और इस मिशन को कैसे कम्प्लीट करना है अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना। और इसी के साथ में गाइस कल जब भी आप लोग गेम को अपडेट करके ओपन करेंगे तो भाई पेट स्टोर जरूर चेक करना, क्योंकि आप लोग यहाँ पे पेट वगैरह गोल्ड से अवेलेबल देखने को मिलेगा, मतलब आप लोग गोल्ड से अभी इनको परचेस कर सकते हो। और मेरे ख्याल से गाइस यहाँ पे एक पेट का प्राइस रखा जाएगा 15,000 गोल्ड या उससे भी कम हो सकता है। और गाइस कल अपडेट आएगा और कल कोई ग्लिच ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता, कल कोई ना कोई ग्लिच जरूर होगा, तो उस ग्लिच का फायदा लेने के लिए तैयार रहना, लेकिन बाद में गैरना उसको सॉल्व जरूर कर देगा। एंड साथ में गाइस यहाँ पे जो मैजिक क्यूब स्टोर है गाइस इसको भी चेंज किया जाएगा, कुछ पुराने अतरंगी टाइप के बंडल को यहाँ पे वापस ऐड किया जाएगा जो ऑलरेडी आपके पास है। और मुझे नहीं लगता गाइस यहाँ पे इस बार के मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर से कोई भी बंडल यहाँ पे परचेस करने लायक है, तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के आपका मैजिक क्यूब यूज करना। सो मैजिक क्यूब के स्पेशल जो अपडेट है गाइस आप लोग को एप्लीकेशन अपडेट करने के बाद ही मिलेगा, मतलब फ्री फायर को अपडेट करना उसके बाद ही गाइस आप लोग यहाँ पे सारे चेंजेस देख पाओगे। और अभी गाइस जो मैं आप लोग को अपडेट देने वाला हूँ ये होगा हमारा रैंक मोड को लेकर। तो यहाँ पे आप लोग एक नया सा पोस्टर देख पा रहे हो जहाँ पे लिखा है रैंक मोड मैप रिवील। तो जी हाँ भाई, बरमुडा पुर्गेटोरी और नेक्स्ट्रा आने वाले वापस से 4 सितंबर के बाद। जब भी आप लोग यहाँ पे गेम को स्टार्ट करोगे तो आप लोग को रैंक में बरमुडा पुर्गेटोरी और नेक्स्ट्रा मैप बार बार देखने को मिलेगा और ये जो मैप वगैरह गाइस ये स्वाइप होता रहेगा। सो इन तीन मैप के अंदर से गाइस आपका सबसे फेवरेट मैप कौन सा है कमेंट करके जरूर बता देना। मेरा तो भाई बरमुडा और पुर्गेटोरी सबसे ज्यादा बेस्ट मैप लगता है। और हाँ गाइस, 4 तारीख को दोपहर के 2 बजे के बाद आप लोग को नया सा रैंक सीजन स्टार्ट देखने को मिलेगा, तो तैयार रहना रैंक पुश करने के लिए भी। और इसके बाद भाई आप लोग यहाँ पे हमारा न्यू कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देख पा रहे हो पूरा फुल वीडियो। भाई यहाँ पे इस कैरेक्टर का डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है 25 मार्च, तो आप लोग देख पा रहे हो। तो इस कैरेक्टर को यूज करके जब भी आप लोग किसी को डैमेज दोगे तो उसका मूवमेंट स्पीड 10% कम हो जाएगा और किसी व्हीकल मतलब गाड़ी को डैमेज दोगे तो 50% तक उसका मूवमेंट स्पीड कम हो जाएगा। और डैमेज दोगे तो भाई आप लोग को ग्लूअल्स वगैरह भी मिलता रहेगा। एंड यहाँ पे जिसको भी नॉक करोगे उसका यहाँ पे जो मूवमेंट करने वाला बटन है वो कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाएगा। तो बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है एंड मजे की बात है, आप लोग की वाला कैरेक्टर फ्री में क्लेम करने को मिल जाएगा ग्लू नोवा इवेंट के अंदर। और कुल मिला के गाइस यही था हमारा आज का अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग को पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज का वीडियो को लंबा ना करके भी खत्म करते हैं, तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।